सात साल पहले एक अप्रैल की उस शाम को कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। सूरज ढलते ही पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि टीबी की उस दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया है। महज 25 साल की प्रत्यूषा ने अपनी जिंदगी को पंखे से लटक कर हमेशा के लिए खत्म कर लिया। बालिका वधु की मौत पर तब किसी को भरोसा नहीं हुआ था। 7 साल पहले ये हुई घटना आज एक बार फिर आंखों के सामने तैरने लगी जब प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह अचानक मीडिया के सामने आ गए। हाल ही में बेशरम रंग गाने की सिंगर शिल्पा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उनका कोई नया गाना आ रहा है, इस मौके पर राहुल राज भी पहुंचे थे। राहुल ने इस दौरान मीडिया से बात भी की, लेकिन सिर्फ काम को लेकर। राहुल की शक्ल देखकर अचानक से सारी पुरानी बातें याद आ गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्यूषा के निधन की वजह प्यार में मिला धोखा था। खबरों की माने तो वो अपनी निजी जिंदगी में काफी परेशान थी। प्रत्यूषा के माता पिता ने प्रत्यूषा की मौत का जिम्मेदार राहुल को ठहराया था। प्रत्यूषा के माता पिता ने राहुल पर ही मौत के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। तब राहुल ने इस बात से इनकार किया था और बताया था कि प्रत्यूषा एक महीने से विक्रम भट्ट की फिल्म ना मिलने की वजह से तनाव में थी। हालांकि तब राहुल को हिरासत में भी रहना पड़ा था। प्रत्यूषा अपने माता पिता की अकेली संतान थी। साल 2020 में जब कोरोना आया तो एक बार फिर प्रत्यूषा के माता पिता सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल उस समय वो इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे कि उनके पास अपनी बेटी की पुण्यतिथि पर एक माला खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तब सिद्धार्थ शुक्ला उनकी मदद को आगे आए थे। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल अपनी जिंदगी को लाइमलाइट से बहुत दूर रखते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि प्रत्यूषा की मौत के बाद राहुल ने शादी भी कर ली। 4 साल पहले राहुल अपनी गर्लफ्रेंड सलोनी शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। इसी साल वो एक बच्ची के पिता भी बने हैं। फिलहाल राहुल की जिंदगी तो पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन उधर आज भी प्रत्यूषा के माता पिता इस उम्मीद में हैं कि उनकी बेटी को फंदे तक पहुंचाने वाले को जरूर सजा मिलेगी और उनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।